हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हुंडई टूसन को एपिसोड में। आज भाई साहब इसको हम चला के दिखाने वाले हैं और हमारे साथ रखो भाई, क्या हाल है। तो आज इसको थोड़ी सी ना ड्राई क्वालिटी में बताने वाला हूँ। हुंडई टूसन जो कि हुंडई की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है भाई, कितने की आती होगी ये बताओ। ये 47 लाख। 47 लाख ये प्लेटिनम बेस मॉडल ऑटोमेटिक है, कितने का आएगा ये पेट्रोल में है? 32 पेट्रोल 32.5 के आसपास का ये मॉडल है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं इसको इसके सीधा स्पोर्ट मोड में करता हूँ ना। ये देखो हो गया भाई चेंज सीधा। आज हमारे पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना हो पाया उतना आप लोगों को हम बताने वाले, ठीक है। ये देखो इसे नेविगेशन कैसा कर दिया, ठीक है, सीधा इसको ड्राइव पे डालते हैं। ये देखो तो सबसे पहले अगर आप स्टेयरिंग देखोगे ना, मतलब एक स्पोर्टी स्टाइल में मिलता है काफ़ी ना। मतलब ज़्यादातर जो गाड़ी ऐसी एसयूवी टाइप की होती है उसमें हम देखते हैं काफ़ी नॉर्मल मिलता है, उसमें वो फील नहीं आ पाती है ना भैया, जो स्टेयरिंग है ना फील नहीं आ पाती। फिर अभी हमारे पास इतना स्पेस है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मैं आपको कि दिखाऊँ इसकी पावर। देखो यार, इस गाड़ी में पावर तो है, ठीक है, क्योंकि 153 bhp निकाल रहा है 2 लीटर के इंजन के हिसाब से ना। टॉर्क इसमें लगभग 193 Nm निकल जाता है, तो उसके हिसाब से देखें ना भाई साहब, पावर तो इसमें बिल्कुल सही मिलती है। और बाकी अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, मतलब कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में कुछ हद तक ना एक स्पीड के बाद ना एक वाइब्रेशन सी रहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ियों में एक स्पीड के बाद पिकअप मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें भाई साहब इनिशियल पिकअप भी काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। और इसकी स्टीयरिंग भी, मतलब हैंडलिंग भी कितना कमाल का मिलता है। ये देखो किसी भी एंगल पे हम इसको कर सकते हैं। कैसे लगती है भैया गाड़ी, आप तो चलाते रहते हो इसको, बताओ। मस्त क्या क्या लगती है, कोई कमी लगती है इस गाड़ी में? एक कमी बताओ। चलो कोई कमी नहीं है। देखो एक कमी मैं बताऊं, देखिए इसमें कोई सारे फीचर इसमें मिल जाते, ठीक है, सिर्फ एक कमी जो हर एक गाड़ी दुनिया में हर एक गाड़ी की रहती, पता क्या? पैसा। वैल्यू फॉर मनी, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, देखो चीज कोई बुरी नहीं होती, ठीक है, सब चीज बढ़िया होती है, लेकिन जो पैसा होता है ना वो ऊपर नीचे होता है। अभी ये गाड़ी 32.5 लाख रुपए की है, ठीक है, अब गाड़ी तो 10 लाख की भी आती है, 1 करोड़ की भी आती है, तो उस पैसे के हिसाब से ये गाड़ी जायज है कि नहीं वो बात होती है, समझ रहे हो? तो उसके मुकाबले में बात करूँ ना, 32.5 लाख रुपए ना थोड़ा बहुत ना ज्यादा अमाउंट है। हुंडई का प्राइस है, बिल क्वालिटी है भाई साहब, ये देखो ना बिल क्वालिटी की, मतलब हुंडई दे रही है बिल्कुल। ये देखो पावर यार, टॉर्क कितना दे रखा है भाई। तो मैं सिंपल इसको स्पोर्ट मोड में ट्राई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इको नॉर्मल है ना उसमें इतना पिकअप नहीं मिल पाएगा। चलाने का मजा तो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब स्पोर्ट मोड में ही आता है ना भैया। ये देखो यार, हैंडलिंग देखो कितनी कमाल की मिलती है, प्रॉपर एसयूवी गाड़ी है जो अपना सीधा टारगेट करती है स्कोडा कोडियाक को। इसमें अपना 4x4 वेरिएंट आता है जो कि सिग्नेचर है, लेकिन प्लेटिनम 4x4 नहीं होता, दो ही वेरिएंट आते हैं इसमें, सिर्फ प्लेटिनम और सिग्नेचर। तो बाकी बस यही था क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं चलने में यार, वाइब्रेशन वगैरह पावर वगैरह बिल्कुल सही मिलती है। नहीं भैया कहाँ लगाया इसको, बताओ, आप इसके ओनर हो, ओनरशिप बताओ आप हमें, ओनरशिप बताओ, आप ओनर हो इस गाड़ी के। गाड़ी सर ओके, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। इसकी माइलेज कितने की होगी भैया बताओ? माइलेज तो कहाँ लगाओ इसको बताओ? नीचे लगा, नीचे लगा दो। चलो आप इसको नीचे ले जाओ तब तक, ठीक है, आ जाओ। तो बाकी अब भैया इसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, और छोटी सी क्वालिटी मैंने आपको बताई थी। ओके भैया थैंक यू, आप नीचे ले जाओ इसको आराम से ना, ले जाओ नीचे ले जाओ। तो बाकी अभी गाड़ी अभी नीचे जाएगी, तो गाड़ी बिल्कुल चलने में कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी क्वालिटी में आपको बता रहा था, और भैया ने हमारा छोटा सा ओनरशिप भी शेयर कर दिया। तो बाकी यही था रिव्यू, और यहाँ पे ऐसी गाड़ी अपनी हुंडई का स्टॉक है अपने पास, जो कि ये वेन्यू कैटा की लाइन लगी पड़ी है। तो बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी, गुड लक दोस्तों।